आइए देखते हैं कि किस तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशरी से किस तरह से डिफरेंशिएट भिन्न कर सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मली आज के जमाने में हम टॉर्च का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, बट एक टाइम था जब टॉर्च जो था वो हर गांव में हर शहर में पर्सन रखता था, खास करके इवनिंग के बाद जब घर जाना और अचानक अगर लाइट चली गई तो हाथ में टॉर्च होना बहुत जरूरी है। अब इस टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है और पीछे एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर होता है। जब हम टॉर्च ऑन करते हैं बल्ब ऑन होता है, और बल्ब ऑन होते ही पीछे रिफ्लेक्टर के वजह से सामने पड़े ऑब्जेक्ट पे लाइट्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। बल्ब और रिफ्लेक्टर, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट को मिलती है। अब यहां पर ये समझ लीजिए, ये बल्ब जो है ना, ये प्लेनेट है, और ये पीछे जो रिफ्लेक्टर है इसे आप राशि मान लीजिए, इसे आप भाव या हाउस मान लीजिए। तो आप नॉर्मली कहेंगे, भाई ठीक है सर जी, ये तो हमें भी पता है कि प्लेनेट जिस राशि में जिस घर में जिस भाव में बैठा होता है वैसे ही फल नेटिव को या ऑब्जेक्ट को मिलता है। बट केस के जी का कहना कुछ और था। मान लीजिए कि ये जो बल्ब है ये वाइट बल्ब है, और ये वाइट बल्ब मतलब प्लेनेट मून है। जैसे ही मैंने बल्ब ऑन किया वाइट लाइट ऑब्जेक्ट पे आ गई, मतलब मून जो है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी मून नेटिव को फल देता है। बट अगर मान लीजिए मैं बीच में यहां पर लाल रंग का एक कांच रख दूं, रेड ग्लास, बल्ब ऑन होते ही वाइट लाइट यहां तक तो वाइट रहेगी, जैसे ही वो लाइट इस कांच को ये ग्लास को पार करके नेटिव या ऑब्जेक्ट पे आएगी तो वो रोशनी वाइट नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली रेड कलर की। ये जो रेड ग्लास है इसे मान लीजिए स्टार या नक्षत्र जो मंगल का है। मतलब यहां पर आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि प्लेनेट हमेशा अपने स्टार के हिसाब से ही नेटिव को फल देता है, और यही तो चीज है कृष्णमूर्ति पद्धति, इसी को कहते हैं स्टेलर एस्ट्रोलॉजी। अब इसी पद्धति को हमने इस डीवीडी वीडियो कोर्स के जरिए डिटेल में सीखना है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस कोर्स की। प्लैनेट सिग्निफिकेशन और हाउस सिग्निफिकेशन, ये दोनों के ऊपर अब हमने डिस्कशन करना है। स्टार्ट करते हैं विथ हाउस सिग्निफिकेशन। हाउस सिग्निफिकेशन मतलब हर हाउस अपने आप में किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है। हाउस सिग्निफिकेशन, ये टॉपिक को हम तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। सेगमेंट नंबर वन, जब हम हाउस सिग्निफिकेशन के जरिए अपने रिलेटिव्स को देखेंगे। नंबर टू, हमारी सारी एक्टिविटीज को देखेंगे। नंबर थ्री, हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स, शरीर के अंगों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ हाउस सिग्निफिकेशन। कैसे हम अपनी बर्थ चार्ट से या एक कुंडली के जोडियाक से, बर्थ होरोस्कोप से या होरारी होरोस्कोप से अपने रिलेटिव्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने होरोस्कोप यहाँ बनाई है, यहाँ पर जो कुंडली बनाई है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, डायमंड स्टाइल कहते हैं इसे, साउथ इंडियन स्टाइल नहीं है। यहाँ पर जो मैंने नंबर्स दिए हैं ये राशि नंबर नहीं है, ये हाउस नंबर है, मतलब वन हाउस नंबर वन, हाउस नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। और हाउस सिग्निफिकेशन की शुरुआत करने से पहले आपको एक नियम मैं बताता हूँ, वो नियम आपको याद रखना है। नियम ये है, हर हाउस से ट्वेल्थ हाउस उस हाउस के रिजल्ट को निगेट करता है। निगेट करता है मतलब कमजोर करता है, खत्म करता है, सत्यानाश करता है। और अब इसका मतलब देखिए, हर हाउस का ट्वेल्थ हाउस मतलब, मान लीजिए फर्स्ट हाउस से हम नेटिव को देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस का ट्वेल्थ हाउस होते हैं ट्वेल्थ। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्थ हाउस मतलब इतना याद रखना है कि ट्वेल्थ हाउस मतलब
जिस हाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं उस हाउस का पिछला हाउस मतलब 12th हाउस। तो आपको पता ही होगा कि 12th हाउस जो है वो नेटिव के लॉसेस बताता है, उसको होने वाले नुकसान का बताता है। मतलब जब भी हम बात करते हैं हर हाउस को नुकसान पहुंचाने वाला हाउस कौन सा है, तो आप क्या ध्यान में रखें कि हर हाउस से 12th हाउस मतलब उसका एग्जैक्टली पीछे वाला हाउस जो है वो मेन हाउस के रिजल्ट्स को कमजोर करता है। सो ये एक बहुत बड़ा रूल है, ये आपको तो कंसीडर करना है अगर आपको कृष्णमूर्ति पद्धति से प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी रखनी हो तो। तो क्या याद रखना है, हर हाउस से 12th हाउस मतलब हर हाउस का पिछला वाला हाउस उस हाउस के रिजल्ट को कमजोर करता है। दूसरा एक रिजल्ट पे अफेक्ट करने वाला रूल मैं आपको बताता हूं। ये रूल यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब ये हो गया कि मे बी पॉसिबल कि हर लोग इसे इस्तेमाल ना करते हो, हम भी यहां पर इस्तेमाल करेंगे बट ओकेशनली। ये रूल हर जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा, जहां जहां हो सकता है वहां वहां मैं आपको बताऊंगा। और वो रूल है कि हर हाउस का थर्ड हाउस उस हाउस के रिजल्ट को मल्टीपल करता है। मल्टीपल का मतलब दुगना, बढ़ाना। तो ये दोनों को हम कंसीडर करेंगे, ये वाली चीज को भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए किस तरह से बताता हूं। नेटिव जातक खुद, जातक से छोटे भाई बहन जब हमने देखने होते, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो वो थर्ड हाउस से देखते। अगर आपने पराशरी देखी होगी तो आपको पता होगा यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब देखिए ये हम हैं, ये हमारे छोटे भाई बहन, आपको नहीं लगता है कि ये हमारा मल्टीपल रिजल्ट है? पहले हम आए, उसके बाद हमारे पेरेंट्स को, हमसे छोटे भाई बहन आए। तो देखिए 1 2 3, जब हम अपने बड़े भाई बहन की बात करते हैं एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो हम 11th हाउस को देखते हैं, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब देखिए कॉन्सेप्ट को, हमारे पहले हमारे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर आए, तो देखिए उनका मल्टीपल रिजल्ट हम है 1 2 3। तो इस तरह से मैंने आपको रीजनिंग देने की कोशिश करी, क्योंकि आपने भी ये देखा ही रहेगा, कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा कि थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं, 11th हाउस से हम बड़े भाई बहन को देखते हैं। मैंने आपको बताया क्यों थर्ड हाउस, क्योंकि वो हमसे थर्ड है, हमारे रिजल्ट को मल्टीपल करता है। क्यों 11th हाउस हमारे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि वो वहां से हम थर्ड बनते हैं, तो ये उनके रिजल्ट को मल्टीपल करता है। बट ये हर जगह पर आपको यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं करना है, जहां आपको लगता है, जहां ये जरूरत पड़ती है वहां हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। वो हम कहां कहां पढ़ सकते हैं जरूरत, मैं आपको बताता हूं। आगे देखते हैं, यहां से हमने देखा जातक खुद, जातक से तीसरा, उससे छोटे भाई बहन, जातक के पीछे तीसरा, उसके बड़े भाई बहन। ये तो आपको पता ही होगा कि जातक की माता को अगर देखना हो तो 4th हाउस माता का हाउस, मदर हाउस। और पिता के हाउस को लेके कॉन्ट्राडिक्शन चलती है, हमने उस विरोधाभास में नहीं पढ़ना है। और हमें याद रखना है कि 9th हाउस जो है वो फादर का हाउस है। तो अगर जातक की माता को देखना हो तो कौन से हाउस को देखेंगे, एग्जैक्टली, और पिता को 9th हाउस, एग्जैक्टली। 9th और 10th हाउस के कॉन्ट्राडिक्शन में हम नहीं पढ़ेंगे, हम 9th हाउस से पिता को देखेंगे, 4th हाउस से माता को देखेंगे। अब जातक का बेटर हाउस स्पाउस तो होगा, स्पाउस को 7th हाउस से देखा जाता है, चाहे हम हस्बैंड कहे या वाइफ। अर्धांगिनी बेटर हाफ, ये कुंडली है जिसमें 12 भाव है। अर्धनारेश्वर से आप क्या सीखे कि इंसान का आधा अंग पुरुष, आधा अंग स्त्री। अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 हाउस तक जातक का अंग, 7 8 9 10 11 12, 7 से लेके 8 9 10 11 12, ये उसके स्पाउस का अंग, मतलब ये हो गया बेटर हाफ। ये एक रीजन है कि क्यों 7th हाउस में स्पाउस को देखा जाता है। दूसरा रीजन भी मैं आपको बताता हूं, 7th हाउस ये जातक है, और 7th हाउस मतलब जातक के सामने खड़ा उसका दुश्मन, ओपन एनिमी,
अगर ओपन एनिमी देखना है, शत्रु देखना है, तो आपको सेवेंथ हाउस देखना है। तो यहाँ पर भी लोग ये कहते हैं कि सर जी, ये सेवेंथ हाउस अगर ओपन एनिमी है तो क्या स्पाउस हमारे दुश्मन है? देखिए, ओपन एनिमी से हमें नुकसान होता है। तो जब भी बात होती है ओपन एनिमी की, ओपन एनिमी मतलब ऐसा शत्रु जो हमारे सामने खड़ा है और हमें नुकसान कर सकता है। स्पाउस से भी हमें नुकसान होता है, क्योंकि जब भी नेटिव इंटरकोर्स करता है स्पाउस के साथ, तो वो अपनी फिजिकल एनर्जी को लॉस्ट कर देता है। इसी वजह से स्पाउस को सेवेंथ हाउस माना जाता है। तो देखिए, स्पाउस सेवेंथ हाउस में होने के लिए मैंने आपको दो रीज़न बताए। एक, जो बेटर हाफ कुंडली का आधा अंग नेटिव का, आधा अंग उसके स्पाउस का, आधे अंग की शुरुआत फर्स्ट हाउस से हुई, सेकेंड आधे अंग की शुरुआत सेवेंथ हाउस से हुई, दैट इज दी स्पाउस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कट कर दे यार। टॉपिक से शुरुआत करते हैं, हाउस सिग्निफिकेशंस। हाउस सिग्निफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा हाउस किस चीज को सिग्निफाई करता है, तब तक प्रेडिक्शन करना वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हाउस सिग्निफिकेशन को मैं यहां पर तीन कैटेगरी में बायफर्केट करता हूं। हाउस सिग्निफिकेशन पार्ट वन, जहां पर हम अपने रिलेटिव्स को या हम जिन जिन लोगों के टच में आते हैं उन सब को कैसे देख सकते हैं ये 12 हाउसेस से। पार्ट नंबर टू, हमारे साथ होने वाली सारी एक्टिविटीज किन किन हाउस से सिग्निफाई होती है। एंड पार्ट नंबर थ्री, हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स